सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं अपराध की कुछ खास खबरें। नागपुर में कार में लॉक होने के बाद दम घुटने से हुई 3 बच्चों की मौत, जांच जारी। महाराष्ट्र में राजगढ़ किले के पास मिला लड़की का सड़ा गला शव। गर्लफ्रेंड के कारण हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से के छात्र की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में कार में लॉक होने के बाद दम घुटने से हुई 3 बच्चों की मौत, जांच जारी। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में अपने घर से 50 मीटर दूर स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन यानी एसयूवी में एक भाई बहन समेत 3 बच्चे रविवार शाम मृत पाए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। पाचपावली थाने के अधिकारी ने बताया कि फारूक नगर के निवासी तौफीक फिरोज खान, आलिया फिरोज खान और आफरीन इरशाद खान शनिवार अपराह्न करीब 3 बजे लापता हो गए। अधिकारी ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों को लगा था कि वे पास के मैदान में खेलने गए हैं। उन्होंने बताया जब बच्चे शनिवार देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो अभिभावकों ने पुलिस से संपर्क किया और अपहरण का मामला दर्ज कराया। रविवार की शाम लगभग 7 बजे एक कांस्टेबल ने उनके घरों के पास एक एसयूवी खड़े देखी और 3 बच्चों के शव अंदर पाए। अधिकारी ने बताया कि तौफीक और आलिया भाई बहन थे जबकि आफरीन पास में ही रहती थी। नागपुर के मुताबिक आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के से पता चलेगा कि बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। जी हां, फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि लापता बच्चों के शव उनके घर के पास खड़ी एक पुरानी कार में मिले। 3 बच्चों के खेलते खेलते कार में बैठ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वे गायब थे जिसके बाद उनकी तलाश की गई। गर्मियों से दम घुटने से 3 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में राजगढ़ किले के पास मिला लड़की का सड़ा गला शव, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में लहराया था परचम। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे जिले के राजगढ़ किले के बेस से रविवार को एक 26 वर्षीय युवती का सड़ा गला शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान अहमदनगर के कोपरगांव की रहने वाली दर्शना पवार के रूप में की गई है। युवती ने हाल ही में महाराष्ट्र के लोक सेवा आयोग यानी MPSC द्वारा आयोजित महाराष्ट्र राज्य वन सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की थी। मृतका के पिता ने उसके 15 जून से लापता होने पर पुणे शहर के सिंगल रोड थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई हुई थी। पुणे पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक वह 9 जून को एक सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पुणे आई थी। इसके बाद 2 दिन बाद वो नेरहे इलाके में अपनी महिला मित्र के पास आई और अगले दिन ये कहकर वह घर से निकल गई कि वह सीगढ़ किले जा रही है। लेकिन उससे जब संपर्क किया गया तो उसका फोन नहीं लगा, जिससे पिता को चिंता हुई। सीगढ़ रोड थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन तक तलाश करने के बाद उसके पिता ने पुलिस से संपर्क किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस दौरान पता चला कि पीड़िता के परिवार से संबंधित एक युवक भी शहर के वारजे इलाके से लापता हो गया था और ये बताया गया है कि दोनों एक साथ थे। उन्होंने कहा कि आज उसका शव राजगढ़ किले को की टहलती क्षेत्र विकसित हाल में बरामद हुआ। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था कि वो उसके साथ जा रहा था, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तकनीकी जानकारी के मुताबिक उनका आखिरी ठिकाना चंडीगढ़ था, जहां उनके ATM कार्ड से 1000 रुपए निकाले गए थे। वो MPSC भी कर रहा था। वेल्हे पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी जिन्हें अधिकारी क्षेत्र में शव मिला था, उन्होंने कहा कि छत विशत शव बरामद किया गया और रिश्तेदारों ने उसकी पहचान की है। अभी तक मौत के सही कारणों का पता नहीं लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। गर्लफ्रेंड के कारण हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में छात्र निखिल की हुई हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, मृतक छात्र संडे को क्लास के लिए आर्यभट्ट कॉलेज आया था। कॉलेज के पास ही छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें उस पर चाकू से हमला किया गया है। उसे तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। छात्र की हत्या मामले
मामले में दो आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हाँ, मामले की पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक 19 साल का राहुल है जो आर्यभट्ट कॉलेज में ही BA फर्स्ट ईयर का छात्र है। इसके पिता बिंदापुर में ब्रेड और चीज की दुकान चलाते हैं। दूसरा आरोपी 19 साल का हारून है जो जनकपुरी का रहने वाला है। हारून स्कूल ड्रॉप आउट के और राहुल का दोस्त है। हारून मिलोठी इलाके में एक टी शर्ट की फैक्ट्री में काम करता है। उसके पिता पेशे से पेंटर है। पिता का आरोप IO फोन तक नहीं उठा रहे। जी हाँ, पुलिस ने मृतक निखिल के पिता संजय को सुबह थाने बुलाया पोस्टमार्टम की जानकारी देने के लिए, लेकिन पिता का आरोप है कि सुबह से IO उनका फोन नहीं तक उठा रहे हैं। जवान लड़के की हत्या के बाद पुलिस का ये रवैया बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते पहले निखिल की एक गर्लफ्रेंड से किसी ने बदतमीजी की थी जिसका विरोध उसने किया था। इसके कारण उनका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। जी हाँ, उसी का कल बदला लिया गया जब निखिल कॉलेज के गेट से निकला। राहुल और हारून ने चाकू मार कर निखिल की हत्या कर दी। फरार होते हुए कुछ हमलावरों के CCTV ग्रेब भी पुलिस को मिले हैं। उनकी पहचान की जा रही है। अभी तक दो गिरफ्तारी और दो आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। शुरुआती जांच में गर्लफ्रेंड को लेकर आपस में झगड़े की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अभी हर पहलू पर जांच कर रही है। शिवनादर यूनिवर्सिटी में हुई थी छात्र की हत्या। जी हाँ, इससे पहले पिछले महीने ग्रेटर नोएडा के शिवनादर यूनिवर्सिटी में BA सोशियोलॉजी थर्ड ईयर के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्र को गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली थी। छात्र कानपुर की रहने वाली थी और छात्र अमरोहा का रहने वाला था। पूरी घटना कॉलेज कैंपस के अंदर ही हुई थी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।